तुमको बता दे रहा हूँ, एक आदमी तुमको बचाने नहीं आएगा उस समय पर, अगर ये कोई मुकदमा लग गया एक आदमी नहीं बचाने आएगा, फिर तुमको शायद हम ही याद आएंगे, हमसे ही कहोगे तुम जाकर के उस चीज़ को, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम ही तुम्हारे घर 24 घंटे रह रहे हैं, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं भाई, तो समझो हर चीज़ को जानो, और किसी का क्वेश्चन हो तो मैं खड़ा हूँ ना, मुझे करो ना क्वेश्चन, बताओ आपके पास किसी का क्वेश्चन हो तो, यहाँ पर जब महिलाएं बैठी हुई ना, जब बैठा दी हैं जिन्होंने बरगला कहकर या कैसे भी, आज इससे ज़्यादा को NRCCA की फुल फॉर्म मालूम नहीं है, बताओ भाई क्या है ये, क्या है, दूसरे कंधे बंदूक रख कर चला रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, वो मेरे सामने आए ना जो नेता जो कह रहे हैं इस चीज़ को, वो मेरे सामने आए मुझसे क्वेश्चन करें ना, दूसरे कंधे पर मतलब ये है, ये बेचारे भोले वाले इंसान के सर क्यों कंधे पर रख रहे हैं, अपना ऐसा भाई अपने अपने घर जाओ, सुनो मेरी बात दादा, आप सब जान रहे हो, आप सब जान रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, हुआ है, अभी हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ आप फिर मत ये वो करो, मत बोले को जाने क्या करने हुआ, अच्छा सब जान रहे हो तुम, नहीं चले आएंगे अपने काम से चले आएंगे, आप लोगों के बीच में भाई, हमको भी रहना है, आपको भी रहना है, बस सही है, आप लोग किसी को भी भाई परेशानी है तो हम खड़े ना उसके लिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, आप लोगों को कोई ये बात बरगला रहा है तुमसे, कह रहा है कि आप यहाँ नहीं रहोगे, क्योंकि हमने वहाँ पे सुना, वहाँ भी इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे नहीं रहोगे, तो ऐसा भाई वो सरासर गलत है, आप लोग यहीं पर रहोगे, कोई आपको नहीं निकाल सकता है, ना कहीं उसमें ऐसा कोई नियम है कि मत आप लोगों को निकाला जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप बताओ मुझे, अगर आपने पढ़ा हो तो बताओ ना मुझे, मैं आपका हर जवाब देने को तैयार खड़ा हूँ भाई, हैं भाई कोई भी हो यहाँ पे, तुम में से भाई ये जितने भी खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी होंगे यहाँ पे, कोई मुझे बताओ ना उस चीज़ को, मुझसे कहो कि ये साहब के इसमें ये प्रावधान है, बताओ ना मुझे, मैं खड़ा हूँ आपके पास में, लेकिन जो इलीगल काम है भाई वो इलीगल है, आप लोग ये बात जान लो कि लीगल तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इलीगल तरीके से नहीं, आपके साथ में भाई कोई धरना दे रहा है, प्रशासन खड़ा था ना सुरक्षा में, आज भी हमारी महिला कॉन्स्टेबल और जब कि ASO महिला ASO सभी खड़े हुए हैं ना वहाँ पर, किसके लिए हैं, किसके लिए बताओ, आप लोग सुरक्षा के लिए खड़े हैं ना हम लोग, हैं आप लोगों को ये काम नहीं करना है, अपनी माता बहनों को समझाओ, हमारी भी माता बहनें हैं उनको समझाओ, आने के बाद में अपने घर जाएं, कोई इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, अगर आपको कोई धरना प्रदर्शन करना है, कोई कुछ मतलब ये आपको कोई ज्ञापन देना है तो अधिकारी खड़े हैं आपको ज्ञापन लेने के लिए तैयार, आप क्यों नहीं ज्ञापन देते हो, आपने ज्ञापन नहीं दिया बताओ, वो आए आपसे ज्ञापन ले लिया, आपने ज्ञापन भी नहीं दिया, आपको कोई लीडर है इसका बताओ, कोई जुलूस का लीडर हो तो मुझे बताओ, वो लीडर आके बात करें, है कोई जुलूस का लीडर जो कि मतलब ये सभी आए भेड़ चाल में और भीड़ इकट्ठी हो गई, ये क्या है बताओ, है आप लोगों का ये सब नहीं करना है, समझ रहे हो, किसी को परेशानी है कैसी भी तो भाई मैं 24 घंटे चौकी पर रहता हूँ, मैं यहाँ का चौकी इंचार्ज हूँ, तो मुझे आके बताओ, मेरे स्तर की नहीं होगी तो अपने उच्चाधिकारियों को मैं अवगत कराऊंगा, आप अवगत कराओ, सभी लोग खड़े हैं ना आपको सुनने के लिए, फिर क्यों भाई है ये सब, ठीक है आप लोग जाओ भाई अपने अपने घर जाओ और उनको भी समझाओ, ठीक है दादा, ठीक है, ठीक।